नमस्कार, आपण पाहत आहात 24/7 माझा महाराष्ट्र PBN। परभणी महानगरपालिका के उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ के चुनाव अधिकारी सुचिता शिंदे मैडम और तहसीलदार विद्याचरण कड़ोकर, इन्होंने तारीखें डिक्लेयर कर दी है और प्रभाग 3 में जो चुनाव अभी काफ़ी जोर पकड़ लिया है, प्रचार चालू हो चुका है और पिछले बार जो बहुत ही कम वोटों से हारे थे इस चुनाव में, वो उम्मीदवार हमारे साथ है जो इस बार अपक्ष फॉर्म दाखिल किया है, जिन्होंने अलीमुद्दीन खाजी साहब, हम उनसे खास बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं खाजी अलीमुद्दीन प्रभाग क्रमांक 3 से अपक्ष उम्मीदवार हूँ और मैं 10 साल से जो है सो दो मरतबा इस प्रभाग में अपनी किस्मत आजमा चुका हूँ और पिछले बारे में 200-300 वोटों से जो है तो मैं हार चुका हूँ और इस बार जो ये बाय इलेक्शन लगा है, इस इलेक्शन में मैं लोगों से मुलाकात किया हूँ, लोगों से बातचीत करा हूँ कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, क्योंकि बाय इलेक्शन है, 2.5 साल का पीरियड है, तो लोगों का मेरे तरफ रुझान अच्छा था, लोगों के जो ख्याल थे वो मेरे साथ चलने के थे और लोगों ने ही मुझे जो कहा कि भाई आप जो हकदार है इस प्रभाग के और आपका हक आपको मिलना चाहिए और हम आपके साथ हैं, इसलिए मैं ये वार्ड से जो है तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अपक्ष मैंने फॉर्म भरा। मैं इस वार्ड में 10 साल से जो है तो लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों के छोटे बड़े जो भी मसाइल रहते हैं मुझे फ़ोन आते हैं, मैं जाकर उनके काम करता हूँ, लोगों के दिलों में मेरे लिए बहुत चाहत है और मैं 20 साल से रहवासी हूँ यहाँ का और मेरा खुद का वोट यहाँ है और 20 साल में मैंने अच्छे खासे ताल्लुकात है मेरे लोगों से, रोज़ का उठना बैठना है, रोज़ का मिलना जुलना है, तकरीबन प्रभाग 14,000 का प्रभाग है लेकिन ऐसा कोई एरिया जो नहीं होगा कि जो मुझे लोग पहचानते नहीं, और कोई काम मैंने उनका आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फ़ोन करे और मैंने उनके लिए कोशिश नहीं किया, काम तो ठीक है होते रहता नहीं होते लेकिन मेरा काम है उनके लिए कोशिश करना और प्रभाग इतना बड़ा होने की वजह से कुछ मसले ऐसे हैं कि इतने काम है वार्ड के अंदर कि वो पूरे मसले तो लोग हल नहीं कर सकते, कोई किसी के पास जाता है कभी नहीं जाता, हमारे को फ़ोन कर दिया तो हमको जाकर काम करना पड़ता है, मसले तो बहुत है वार्ड के और इंशाल्लाह मैं चुन के आने के बाद भी कोशिश करूँगा कि भाई लोगों के दिलों में बसा रहूँगा, काम कैसा करना चाहिए, काम क्या होता है ये मैं लोगों को बताऊँगा और आज भी लोग मेरे से जो इतनी मोहब्बत करते हैं कि लोगों के मोहब्बत के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से खड़ा किया है जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की युति हो चुकी है, जगह कांग्रेस की राष्ट्रवादी को छूट चुकी है कि फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं आप हकदार है, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और आप अपक्ष क्यों नहीं होता लेकिन आप इलेक्शन लड़ो, इंशाल्लाह हम आपके पीछे है और हम आपको जीत दिला के रहेंगे। आप अभी जो आपका प्रभाग 3 है इसके अंदर जो मेन जो परेशानियां हैं वार्ड की उसके ऊपर आपका क्या प्लानिंग है, आपके कैसे काम करेंगे आगे आप? इस प्रभाग के अंदर जो है तो मैं जो रोज जो लोगों से मुलाकात करता हूँ मिलता हूँ तो कुछ रोड के मसले हैं, कुछ नालियों के मसले हैं, अभी इस बार तो पानी का तो बहुत बड़ा मसला है, अब पानी तो दुष्काल की वजह से परभणी का ये प्रभाग क्या पूरे महाराष्ट्र में दुष्काल है, फिर भी जो है सो लोग कोशिश नगर पालिका थोड़ी कोशिश कर रही है कि भाई टैंकर पुराना का काम कर रही है, पानी पुरा रही है लेकिन फिर भी वो हर घर तक नहीं पहुंच रहा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर लोग हमको चुन के देते हैं तो इस बारे में हम कोशिश करके उनको पानी का इंतजाम करके देंगे, जहाँ खुली जगह है वहाँ पे हफ्ते का इंतजाम, बोरों का इंतजाम, हफ्ते डाल के देने का इंतजाम करेंगे और वैसा तो अभी जो पाइपलाइन जो हो रही है पूरे परभणी में नहीं तो इससे ऐसा लगता है कि इसके बाद ऐसी बोर की या हफ्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो एल्दरी का डैम है वो डैम से अपने को पानी आने वाला है लेकिन अब कब आता है उसका कुछ अंदाज नहीं है, 1-2 साल लगेंगे, कभी भी आ सकता है, वो अगर आने के बाद तो ऐसी जरूरत महसूस नहीं होगी लेकिन उसके वास्ते हम आए चुनके तो कोशिश भी करेंगे। कहीं आलिम भाई लोगों की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि एक अच्छा उम्मीदवार चुन के दिया जाए ताकि वो आने वाले जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो अपने वार्ड तक ला सके और वार्ड के लोगों तक पहुंचा सके, तो उसके लिए भी आप जैसा उम्मीदवार लोगों ने चुनना ये जरूरी है, लोगों की ख्वाहिश है ना जी। लोग चाह रहे हैं कि भाई अपने को जो लोग अभी तक जो भी काउंसलर चुन के आए हैं वो अच्छे हैं, लोग सब काम करते हैं लेकिन अब कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि भाई इससे भी अच्छा और इससे भी बेहतर काम होना चाहिए, उस लोगों से मेरे ऊपर लोगों की उम्मीद है और लोगों का ये कहना है कि भाई आप आए तो कुछ ना कुछ हमारे अच्छे काम हो जाएंगे, काम अच्छे करेंगे और इंशाल्लाह मैं चुन के आने के बाद मैं बोलूँगा नहीं, मैं करके बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए, लोगों की खिदमत करना मेरा काम है, मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई वार्ड के लिए, प्रभाग के लिए कुछ ना कुछ, हर समाज के लिए कुछ ना कुछ मैं खिदमत करूँ हर समाज की,
ये मेरा एक एजेंडा है। मेरी एक वार्ड के प्रभाग के लोगों से अपील है कि मेरी निशानी सीटी है, सीटी के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाकर वोट डालकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल है उस पर मैं पूरा पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, आपके काम करने की कोशिश करूंगा, आपकी खिदमत करने की मेरी ख्वाहिश है। 23 तारीख को सिर्फ सीटी इस बटन पर मोहर लगाकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए, मुझे चुन के लाइए। इंशाल्लाह मैं आपके जो भी मसले मसाइल है उस मसले मसाइल को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी एक बार फिर आपसे अदबन गुजारिश है इस प्रभाग के भाइयों बहनों और बुजुर्गों से कि मुझे एक मर्तबा इस प्रभाग का आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। इतना बोलकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। तो ये थे प्रभाग 3 के अपक्ष उम्मीदवार अलीमुद्दीन इमामुद्दीन खाजी साहब, जिनकी चुनाव निशानी सिटी है और उनके जो पूरी चुनाव में जीत कर आने के बाद वार्ड के लिए प्रभाग के लिए क्या क्या काम वो करने वाले हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, पूरी तफसीली मालूमात अलीमुद्दीन साहब ने यहाँ पर दी है और हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उन्हें इस चुनाव में कामयाबी मिले। टॉप न्यूज़ के इस चुनाव सेक्शन में मैं कलीम कुरैशी, प्रभाग 3, परभणी। ही बातमी आपणास आवडली असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।